काम सारा कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा भाई, बिल्कुल बहुत अच्छा। हम अगले महीने और गाड़ी लेंगे तो भी यही भाई। पक्का भैया? एक बात बता दो, जो आपका डिस्काउंट चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बता दो। डिस्काउंट भी है, जब कोई गाड़ी आई थी तो हमने 25% जैसे कंपनी से आता है वैसे हमने देना शुरू किया था, फिर 40 दिया, फिर 50 दिया, और अभी 25 जनवरी तक के लिए 60% हम डिस्काउंट लेके चलते आ रहे हैं। यहाँ पे मिरर चेंज हो गए हैं जो बॉडी कलर के साथ में, जैसे लॉक करूँगा वैसे लॉक हो गया और जैसे अनलॉक करूँगा वैसे ही। भाई बैक कैमरा है, इसकी फिटमेंट भी चेक कर लो, OEM फिटमेंट है, कहीं से भी ऊपर नीचे नहीं है। यहाँ पे जेटा वाला स्टेयरिंग हो गया, जहाँ पे कंट्रोल प्लस करोगे तो प्लस हो रहा है, माइनस करोगे तो माइनस हो रहा है। देखो बस मैं लाइट ऑन कर रहा हूँ तो ये सारी लाइटें जो है वो ऑन हो रही है। प्रीमियम सोफा लेमिनेशन है, और प्लस आप इसकी फिटमेंट देख लो, पूरी बकेट फिटिंग है, जैसे गाड़ी का इंटीरियर है, जैसा डोर बना है एज अ बर्फी पैटर्न। तो जी राम राम सही भाई, इनको क्या हाल है भाइयों आप सबके? उम्मीद करता हूँ बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे भाइयों। कृष्णा भैया के पास आए हम ऑटो यूनिक, क्या हाल है भैया? बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। तो आज फ्रॉन्क्स आ रखी है हमारे पास, बेस मॉडल सिग्मा मॉडल, और इस गाड़ी में कम बजट में बढ़िया काम हुआ है। बिल्कुल है ना भैया, एक बार डिटेल में बता दो क्या कुछ काम कर रहे हो? जितनी भी बेसिक चीज होती है वो सब कुछ इस गाड़ी में हुआ है, और एज अ बजट फ्रेंडली हुआ है। ऐसा नहीं है कि लाख रुपए, डेढ़ लाख रुपए, दो लाख रुपए का काम हुआ है, पर ये है जितनी भी चीजें आपकी रिक्वायरमेंट होती है, आपके पॉकेट को अलाउ करती है, वो सब चीज हुई है, और वैल्यू फॉर मनी चीजें हुई है। ऐसा नहीं है कि एक तो होता है ना, आप सिर्फ पैसा देखते हो, पैसे के साथ साथ ना चीजें भी देखो आप, क्वालिटी, क्या चीज किस क्वालिटी में क्या पैसे में लग रही है, तो सब कुछ मैटर करती है। जैसे इस गाड़ी के अंदर लगी है, भैया ने क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कराई है, और मुझे पता है हर कोई नहीं कराना चाहता है, पर फिर भी आपको ना, देखो आप अपने फील्ड में माहिर हो, वैसे ही इस फील्ड में जो माहिर है ना उससे अगर आपकी जानकारी होगी, पता रहेगा, तो आप इस फील्ड में भी ना सिर्फ एक दो वीडियो देख के भी काफी कुछ पता कर सकते हो, माहिर तो नहीं पर काफी कुछ पता कर सकते हो। वैसे ही क्या क्या इस गाड़ी में अंदर हुआ है, किस बजट में हुआ है, वो सब कुछ आपको बताएंगे एज अ प्राइस के साथ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरी वीडियो देखिएगा, ऐसा नहीं कि चार चीजों की प्राइसिंग बताई और छोड़ दिया आपको, ऐसा कुछ नहीं होगा आपके साथ, ठीक है। स्पेशली हर एक चीज का, हर डिपेंड करता है आपके ऊपर, हर चीज प्राइस के साथ बताएंगे, तो सारी चीज चलते हैं वीडियो की तरफ। ठीक है भाई, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जी भाई गाड़ी की तरफ हम आ गए हैं, ठीक है, बेस मॉडल है, देख लो टेम्परेरी नंबर है, हरियाणा से गाड़ी आई है। तो भैया फ्रंट में क्या कुछ काम हुआ है इसमें? फ्रंट में भी है, मैं ऑप्शन भी बताऊंगा क्या कुछ हो सकता है और क्या क्या ऑप्शन है, और प्लस प्राइस भी बताऊंगा, दोनों ऑप्शन रहेगा। अभी इसमें क्या हुआ है ये भी बताऊंगा, तीनों ऑप्शन आपके सामने। प्लस भैया एक बात बता दो, जो आपका डिस्काउंट चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बता दो। डिस्काउंट भी है, जब कोई गाड़ी आई थी तो हमने 25% जैसे कंपनी से आता है वैसे हमने देना शुरू किया था, फिर 40 दिया, फिर 50 दिया, और अभी नया साल जैसे हैप्पी न्यू ईयर गया है, और अभी मकर संक्रांति भी आ रही है, लोहड़ी भी आ रही है, और प्लस 25 जनवरी जो हमारा ऑफर है 25 जनवरी तक के लिए 60% हम डिस्काउंट लेके चलते आ रहे हैं, और जैसा आप लोगों का भरपूर प्यार आ रहा है, जिस वजह से आप देखोगे अभी एक फ्रॉन्क्स यहाँ लगी हुई है, एक सामने भी है, उधर भी फ्रॉन्क्स है, बाकी कई फ्रॉन्क्स होकर जा भी चुकी है। ऐसी सेम आपको रेगुलर एक बेस्ट काम बेस्ट प्राइस में देता हूँ, और सेम आगे भी आपको ऐसे ही देता रहूँगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप वीडियो में बने रहिए, जिससे सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो 60% भी अभी डिस्काउंट है जो आपको कंप्लीट देखने को मिलता है। भैया कब तक चल रहा है? 25 जनवरी तक, ठीक है। तो भैया ने क्लियर कर दिया, इसमें भी मिला है डिस्काउंट? बिल्कुल भैया, सेम आप देखेंगे, सबसे पहले इसकी पूरी फ्रंट ग्रिल है जो पैनो ब्लैक में चेंज हो जाएगी। हमने ये मोस्ट गाड़ियों में लगाया है, बहुत सारी गाड़ियों में लगाया है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर चॉइस है, आप अगर लगवाना चाहो तो ज़रूर लगवा सकते हो। प्राइसिंग भी बताया हूँ, 4250 रुपये उसकी कॉस्ट होती है जो आप एक्सचेंज कर सकते हो। और एक तो होता है बिल्कुल अल्फा का आता है, बिल्कुल टॉप वाला आता है, उसकी MRP ज़्यादा होती है, 10,000 रुपये करीब MRP होती है, वो 5600 रुपये का होता है, बाकी वो एसेसरी में नहीं आता है, स्पेयर पार्ट में आता है। और ये जो है भैया, ये आपका जो मैं बता रहा हूँ 4250 वाला, वो आप एक्सचेंज कर सकते हो, तो 4250 रुपये की पड़ती है। बाकी इस गाड़ी में यार वो टॉप वाली ग्रिल अच्छी लगेगी, वाइट कलर बहुत बढ़िया लगेगी भैया। दोनों ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है, मैं आपको एक ही चीज़ प्राइस के साथ इसलिए बता रहा हूँ, जैसा आपके पास कॉस्टिंग है, आपके पास बजट है, आपकी जेब को अलाउ करता है, वैसा करा सकते हैं। इसके बाद अपनी फ्रंट DRL है, ये कंप्लीट DRL है, जो पूरी आप चेंज करा सकते हो। मैंने नहीं कराया, तो इसमें एक LED का ऑप्शन होता है, LED वो आप करा सकते हो। इसमें आपका वाइट बल्ब लगा है तरीके से ना, जैसे येलो चल रहा है, इसमें बाकी भाई DRL और कनेक्टेड टेल लाइट क्या है इस गाड़ी में जान डाल देते हैं। इसके बाद नीचे आपको बता रहे हैं हेलोजन आता है, जो येलो बल्ब आते हैं, इसको भी आप वाइट चेंज कर सकते हो, वाइट येलो वाइट के साथ LED के साथ चेंज करते हैं। LED में अपने पास 55 वॉट से शुरू है 1800 रुपये से, और उसके बाद आप 90 वॉट ले सकते हो 2800, उसके बाद 110 वॉट है, उसके बाद जितना आप वॉट के ऊपर जाते जाओगे आपको कॉस्टिंग जो है उतनी जाती जाएगी, 300 वॉट तक या 350 वॉट तक की आपकी चॉइस है, जैसा आपका मर्जी है वैसे ले सकते हो। अगर आप टॉप मॉडल वाली हेडलाइट लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो, वो महंगी आ जाती है, दोनों ऑप्शन है, बाकी चॉइस आपकी है। अगर इसमें आप थोड़ा मीडियम ना बहुत ज़्यादा हैवी जो ट्रक को बिल्कुल
जैसे ट्रक वाली की लाइट होती है चौंधा कर दे आंखों को ना, बिल्कुल कम जो सड़कों पर कुछ दिखे ही ना, एक मीडियम में भी अगर लगाना चाहते हो तो 120-150 वॉट इनफ है। जो अगर आप जाओगे तो 4000 से लेकर 5600 रुपये तक की कॉस्ट में आपको अच्छी लाइट मिल जाएगी, जिसमें ना कमी लगेगी और ना ऐसा है कि बहुत बहुत ज़्यादा ऑफर है, मतलब बिल्कुल बेस्ट है। ये कह सकते हो आपकी बिल्कुल एक एक यूनिक चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। ऐसी सेम आप साइड में आओगे तो यहाँ पे अपना सबसे पहले अलॉय व्हील का ऑप्शन है, जिसमें 28 से 30 हज़ार रुपये के ऑप्शन में आपको टॉप मॉडल वाला मिल जाता है। अभी इसमें ये नहीं है, बाकी चाहो तो आप करा सकते हो। यहाँ वेंट आता है, वेंट पूरा चेंज हो चुका है, बल्फ का जो ऑप्शन आता है वो बल्फ पूरा चेंज हो चुका है, साइड वेंट लग गया है। जो GFX क्वालिटी में जी ड्राइव लिखा हुआ भी है, और क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ क्रोम की लाइफ टाइम वारंटी होती है, क्योंकि GFX कंपनी का है और क्वालिटी में ना GFX सबसे अपर है। गैल्यू आपने नाम सुना होगा, गैल्यू कंपनी के साथ आता है। इसकी प्राइसिंग की बात करता हूँ, यहाँ पे साइड वेंट अलग अलग ऑप्शन में है, 300 रुपये से शुरू हो जाता है, और ये जो 1450 वाला है इसकी MRP 2200 रुपये है। और सबसे खास चीज़ मैं अगर इसकी आपको बताऊं तो इसमें क्या है कि ना ऐसा पूरा एक 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 पूरा जो बल्ब है इंडिकेटर का वो भी छुप गया, और लुक में भी लुक अच्छा हो गया, रेंज रोवर वाला लुक आया था भैया। इसके बाद यहाँ पे मिरर चेंज हो गए हैं जो बॉडी कलर के साथ में, और देखोगे जैसा गाड़ी का कलर है वैसे ही बॉडी कलर होगा, तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है। पूरा पल वाइट कलर जो है वो सेम वाइट हुआ है, और ये भी हम आपको चंद घंटों में करके दे देंगे। बस सिंपल सी चीज़ है, आपको पहले से ऑर्डर करके आना है अगर आपको बॉडी कलर कराना है तो। ये रहता है कि आपके लिए ना पहले से एडवांस में हम कलर करा के रखते हैं, आपकी गाड़ी 3-4 घंटे में जैसे रेडी होती है बॉडी कलर आपको मिल जाता है, तो ये सबसे अच्छी चीज़ आपके लिए। यहाँ का इंडिकेटर जो था वो यहाँ पे आ गया, टॉप मॉडल वाला मेरा लग गया। मैं आपको एक बार लॉक अनलॉक पे दिखाया था, मैं जैसे लॉक करूंगा वैसे लॉक हो गया, और जैसे अनलॉक करूंगा वैसे ही। ये सबसे ज्यादा खास रिक्वायरमेंट होती है हर किसी की, जो बेस मॉडल में नहीं आता वो इसके अंदर लगता है। ये डेल्टा प्लस में भी नहीं आता, डेल्टा प्लस में भी नहीं आता, टॉप में आता है सिर्फ, अल्फा में आता है जो 2400 लॉक अनलॉक वाला ऑप्शन। अभी अंदर से जो होता है वो तो ऑप्शन आपके पास है ही, वो आप सिर्फ रिले नहीं लगवाते तो उसका भी होता है। इसकी प्राइसिंग की बात है तो 8500 रुपये में आपको मिरर मिल जाता है, ये सबसे अच्छी चीज़ है। और बॉडी कलर सेम ऐसा ही बॉडी कलर, और मेन चीज़ जेन्युइन लगा है कंपनी का बॉडी कलर के साथ, तो वो आपको 10000 रुपये। बस ये कि पहले से आप एडवांस बुकिंग करके आओ तो आपको कंपनी का बॉडी कलर मिल जाएगा, दोनों ऑप्शन है। जेन्युइन MGP पार्ट में आ जाता है, MGP ये भाई प्लस की भी कस्टमाइज करा सकते हो आप। मेन वाइज है जो प्रॉपर्टी नेक्सा वाले, इसमें क्या झोल पड़ रहा है मैं आपको दिखाता हूँ, क्या झोल आ रहा है आपके मार्केट में भैया। लोग ना बोलते हैं कि डोर वाइजर ले लो 700 रुपये में, 800 रुपये में, 600 रुपये में, पर एक्चुअली में आप लोग ये नहीं देखते कि वो डोर वाइजर हो है कौन से, वो आफ्टर मार्केट है कंपनी के, आफ्टर मार्केट डोर वाइजर को कंपनी के बना के और 100-200 अच्छा। सस्ता दे रहे हैं तो भैया कोई वो बड़ी बात नहीं है। अब आप सेम ये डोर वाइजर देख सकते हो, इसकी फिनिश देख सकते हो, जेन्युइन कंपनी का है, जिसकी MRP 2190 रुपये है, 60% लेस करके 896 रुपये का पड़ता है। आप जोड़ लेना 60% लेस, और डोर वाइजर भी देख लो, शोरूम में भी देखा हो यहाँ पे भी देख लो, ऐसा नहीं है कि झोल बना के आपको लेके दे। इसके विंडो का अनलेस का ऑप्शन होता है वो भी नहीं लगी है इसमें, हैंडल क्रोम लग चुका है जो प्रॉपर फिनिश के साथ है, 1490 MRP होती है, लेस करके आपका 675 रुपये का आता है। इसका आप क्रोम की फिनिश देखोगे प्रॉपर रहती है, यहाँ पे यहाँ से ना चुपता नहीं है क्रोम, तो ये बेस्ट है। नीचे साइड भी नहीं है, ये लग चुकी है जेन्युइन, अभी जेन्युइन नेक्सा जेन्युइन 2490 रुपये MRP है, ये आपको 975 रुपये के आसपास लगता है, 60% लेस। इसके बाद डोर के अंदर डैम्पिंग हो गई है, डैम्पिंग से आप देखो कि डोर जो है ना हार्डनेस काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है डोर में, यहाँ पे डैम्पिंग सॉलिड हो गया, खाली है बिल्कुल, और यहाँ पे डैम्पिंग भी 400 रुपये शीट से स्टार्ट हो जाती है, और 850 रुपये शीट वाली आपको सबसे हैवी 3.2 mm की, जिसकी 6 साल वारंटी होती है, वो दे दूँगा। आप देखोगे ना एक्चुअल मार्केट में आपको 2 mm से ज़्यादा मिलेगी नहीं, तो आपको 3.9 mm वो डैम्पिंग हम डिक्की में भी करते हैं, आगे बोनेट में भी करते हैं। अच्छा, अगर बोनेट में भी कोई कराना चाहता है तो वहाँ भी मेल्ट नहीं होती, तो ये सबसे अच्छी चीज़ आपको देखिए। ठीक है भाई, प्लस यहाँ मड फ्लैप भी लगे हैं भैया, मड फ्लैप लगे हैं नेक्सा जेन्युइन में, 690 रुपये MRP है, ये भी लेस करके आपका 245 रुपये का पड़ता है। पीछे चलते हैं और पीछे देखते हैं। तो जी भाई पीछे की तरफ चले, तो पीछे की तरफ सबसे पहले इसमें आप कनेक्टेड टेल लाइट लगवा सकते हो, वो भी इस गाड़ी में नहीं लगी है। सबसे पहले यहाँ पे टेल लाइट, जिसमें सबसे अच्छा ऑप्शन मिल जाता है कंपनी की, जेन्युइन लो या आफ्टर मार्केट लो, दोनों ऑप्शन लग सकते हो, पर आफ्टर मार्केट में वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं चल सकती, क्योंकि ये वाला जो ग्लास है शीशा है ये खोल के तब उसमें स्विफ्ट डाली जाती है, इसका खर्चा 1000-1500 रुपये का आता है। बाकी इसमें जो ओरिजिनल आप लोगे MGP वाले में, उसमें दो ऑप्शन आते हैं, एक तो एसेसरी में जो 7000 रुपये की मिलती है, और एक
प्रॉपरली OEM वाला टॉप मॉडल वाला जो 8500 रुपये की होती है। दोनों ऑप्शन है, दोनों अवेलेबल होती है, जो आप चाहो वो लगवा सकते हो। और भाई मार्केट में स्कैम चल रहा है, मतलब जेन्युइन को स्ट्रिप डाल के देते हैं, इसमें स्ट्रिप डाल के पैक करके, अब वो आप खुद समझना है कि कैसे, और आपको बोलेंगे जेन्युइन है चीज या 8000 रुपए की चीज आपको 2000 में कैसे कोई दे सकता है। सही बात है, ये वाली बात हो गई कि 8 लाख रुपए की गाड़ी कोई 2 लाख में दे रहा है। सही बात हो गई। इसके बाद फिर नीचे अपना रिफ्लेक्टर है, जो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो इंडिकेटर, वैसे इंडिकेटर के साथ है। और ये इधर की तरफ अगर आप देखोगे तो पूरा मैट्रिक्स है, जैसे ऊपर इंडिकेटर चल रहा है वैसे ही नीचे आपका चल रहा है, तो पूरा एसेट इज वर्किंग। प्लस यहाँ पे आपका डिग्गी क्रोम भी लग गया है, देख लो, है ना। इसके साथ आप देख सकते हो यहाँ पे बैक कैमरा है, इसकी फिटमेंट भी चेक कर लो, OEM फिटमेंट है, कहीं से भी ऊपर नीचे नहीं है। ये खास चीज है जेन्युइन कंपनी की। इसमें देख लो भैया का जितना सामान है सारा रख दिया, चाहे मिरर हो, चाहे हब हो, चाहे यहाँ सिस्टम हो, बाकी यहाँ पार्सल ट्री जेन्युइन कंपनी। ठीक है भाई, और CNG का भी ऑप्शन है, CNG ट्रे का भी ऑप्शन होता है, वो भी लगवा सकते हो। वो तो भैया ऐसा लगता है कि कंपनी से आई है, बन गया कंपनी से आई है, उस पर आप सोना चाहते हो ना सो भी सकते हो। अंदर चलते हैं, अंदर बताते हैं। तो जी भाई अंदर की तरफ चले, अगर हम सबसे पहले इस गाड़ी का इंटीरियर देख लो, कुछ अलग तरीके से किया गया है भैया। एक ये कौन सा कलर की गाड़ी है भैया? सिंपल सोवर भैया को चाहिए था एज ऑफिस वर्क, जो इसमें किया हुआ है पूरा ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन है। उसमें जैसा इसका इंटीरियर आता है, ये वाला पूरा पार्ट, डैशबोर्ड का पूरा पार्ट, ऐसे ही थ्रेड आप देखोगे, अपना चेरी कलर का थ्रेड यूज किया हुआ है। और सॉफ्ट टच देखो, अल्टीमेट लेवल का सॉफ्ट टच है। मैं इसमें जितना प्रेस कर रहा हूँ उतना ही नीचे जा रहा है। जो 19mm की अपने पास सीट कवर में कुशनिंग आती है ना, पूरा कुशनिंग के साथ है। ऐसा नहीं है कि गाड़ी आई और फटाफट चार्जर करके दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है भैया। बिल्कुल स्मूथली, तहे दिल से, मतलब एक कह सकते हो ना कि सुकून से सारा काम है। आपकी देखने के बाद पूरा फिटिंग आपको देखो कितना बहुत बेस्ट फिटिंग है। यहाँ भी जो कुशनिंग वाला पार्ट है वो यहाँ भी देखने को मिल रहा है। और आप देखो यहाँ पे कोने पे देखो, कोई गैप नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि अनइवन दिख रहा है आपको, प्रॉपरली फिटमेंट है। ये बेस्ट चीज है, सॉफ्ट टच है, ऐसा लग नहीं रहा कि सॉफ्ट टच हुआ है, ये ऐसा लग रहा है कंपनी से ही आया हुआ है। कंपनी का भी सॉफ्ट टच गाड़ियों में आता है। और जो आपका कंपनी का सॉफ्ट टच होता है उसमें तो कुछ होता ही नहीं भैया, कुछ नहीं होता उसमें, सिर्फ वो कपड़ा चला नाम का होता है और वो प्लास्टिक होता है उसके अंदर। इसमें आप देखो रियल सॉफ्ट टच है, जो फोमिंग है ना वो फोमिंग आपके हाथ में फील होगी। इसके बाद यहाँ पे आप पैनो ब्लैक किट करा सकते हो, पूरी जो पूरी किट आ जाती है गाड़ी की। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मिरर का लॉक अनलॉक पे पूरा वर्किंग है, पूरा एज इट इज आपको देखने को मिलता है, प्रॉपर काम कर रहा है, जेन्युइन नेक्सा का लगा है। प्लस हैंड लीवर भी चेंज करा सकते हो आप, इसके में भी आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा ना, ये देखो नीचे जा रहा है, नीचे कर रहा हूँ तो ये अगर मैं ऊपर करूँगा तो ऊपर जाएगा, ऐसा एडजस्टेबल भी पूरा वर्किंग है, प्रॉपरली काम कर रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे स्कफ प्लेट है फ्रॉन्क्स की, मैं इसके ऊपर से हटा के दिखा देता हूँ आपको, देखो लाइट वाली ब्लू एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन के अंदर है, बहुत शानदार लुक है। जैसे आप अंदर घुसते हो लाइट एकदम से जल जाती है, डोर खोलते बंद करोगे बंद हो जाएगी, तो ये बेस्ट पार्ट है। नीचे की तरफ फ्लोरिंग है जो डाई वाली फ्लोरिंग है, सिंगल एक फिनिश में होती है और ये आगे से लेके पीछे तक पूरी फ्लोरिंग जाती है। इसकी खास बात है कि कहीं भी भैया अनइवन नहीं होता इसमें, जैसा गाड़ी का शेप होता है, जैसा गाड़ी का पूरा होता है वो चीज होती है। ये एक शीट में आती है, एक शीट में आती है। फ्लोरिंग में भी आपको 600-700 रुपये से लेके लगभग 3500 रुपये तक की फ्लोरिंग होती है। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सी फ्लोरिंग ले रहे हो, क्योंकि देखो मटेरियल है, कपड़ा है, आप जैसा मटेरियल आप अपनी गाड़ी में लेना चाहते हो वैसा मिल जाता है, चॉइस आपके ऊपर है। अब जैसे यही फ्लोरिंग है भैया, ये आपका 2650 रुपये की है, इसी में अगर आप क्रोकोडाइल लोगे तो 1600 रुपये की भी आ जाएगी, तो चॉइस आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद तो आप स्टीयरिंग देखो कि यहाँ पे जेटा वाला स्टीयरिंग हो गया, जहाँ पे कंट्रोल प्लस करोगे तो प्लस हो रहा है, माइनस करोगे तो माइनस हो रहा है, और प्लस प्रॉपरली यहाँ पे देखो जैसे मैं लाइट ऑन कर रहा हूँ तो ये सारी लाइटें जो है वो ऑन हो रही है। बाकी भैया स्टीयरिंग में कितने ऑप्शन आते हैं? स्टीयरिंग में भी कई ऑप्शन आते हैं, 2500 रुपये से स्टार्ट हो जाता है और 6500 रुपये तक की क्वालिटी आती है। सिर्फ अगर कोई कंट्रोल ऐसे लगाना चाहता है 2500 रुपये उसका चॉइस है, कंट्रोल में करा है ना, 2500 रुपये का पूरा, जिसमें एक क्रूज के कंट्रोल भी मिलते हैं, नीचे के सारे कंट्रोल मिल जाते हैं, पूरा चेंज होता है। फर्क क्या होता है अल्फा और इसमें? सिर्फ लेदर रैप का फर्क है, कुछ अब अंदर चल के आपको मेन स्टीयरिंग का फिटमेंट है और सिस्टम आपको सारा कुछ दिखा देते हैं। तो जी भाई अंदर की तरफ चलूं तो सबसे पहले गाड़ी में सीट कवर देख लो, एक बार सीट कवर का लुक देख लो, ये ब्लैक और चेरी कलर में सीट कवर किए गए हैं। बिल्कुल तो भैया सिंपली सीट कवर जैसे आप देख रहे हो, सबसे पहले आप ऊपर से लेके नीचे तक देख लो, एक सिंगल रिंकल नहीं मिलेगा आपको इसमें। सीट कवर की कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ भैया, तो कॉस्ट में बहुत कुछ डिपेंड करता है कि सीट कवर की क्या फैब्रिक है, क्या फिटमेंट है, नॉर्मल फिटिंग है, बकेट फिटिंग है, हाफ बकेट फिटिंग है। ये जो सीट कवर है भैया फुल बकेट फिटिंग है और ये नॉर्मल फैब्रिक नहीं है। देखो एक नॉर्मल फैब्रिक का सीट कवर जो है 2500 रुपए से शुरू हो जाता है, जो सेम सीट के ऊपर ही फिटिंग होगा 2500 वाला भी,
और ये जो सीट कवर है ये प्रीमियम सोफा लेमिनेशन के ऊपर है। सीट कवर की अगर आप कुशनिंग फिटिंग और फैब्रिक देखना चाहते हो तो हाथ में लेके ही आपको रियल फील पता लग पाएगा। अब सेम आप इसमें देखोगे ना, इसको आप जब ऐसे पकड़ोगे ना तो इसका जो फील है, जो सॉफ्टनेस है, तभी आपको इसकी पता लग पाएगी। प्लस आप इसको लो और ऐसे कपड़ा पकड़ो, हाथ में सिर्फ आप कपड़ा पकड़ो, जैसे मैं अपने पास ये कपड़ा पकड़ रहा हूँ ना, सिर्फ ये कपड़ा पकड़ रहा हूँ, फिर कपड़ा हाथ में आ रहा है, कपड़ा हाथ में आ रहा हूँ, ऐसे कपड़ा हाथ में नहीं आएगा, ठीक है। और बाकी जो होता है ये पूरा फोम के साथ आएगा, बाकी जो सीट कवर होता है कपड़े के, पूरा सिर्फ कपड़ा हाथ में आ जाएगा, जैसे ये आ रहा है, जैसे आप देख रहे हो ये आ रहा है, ये हाथ में नहीं आता जी। तो सेम आप देखोगे ये प्रीमियम सोफा लेमिनेशन है, और प्लस आप इसकी फिटमेंट देख लो, पूरी बकेट फिटिंग है, जैसे गाड़ी का इंटीरियर है, जैसा डोर बना है, एज अ बर्फी पैटर्न यहाँ पे देखो बर्फी है, सेम एज इट इज यहाँ बर्फी बना है, सेम एज इट इज सेम मैचिंग किया हुआ। प्लस देखोगे चेरी के साथ अपना पैटर्न यहाँ पे मैच किया हुआ है, तो ये एक बेस्ट फिटमेंट है। चेरी की ही पाइपिंग इसमें दी हुई है, जैसे इसका डैशबोर्ड का पैटर्न है सेम वैसे ही आप चेरी की पाइपिंग यहाँ देख पाओगे। तो अल्टीमेट लेवल का सीट कवर। तो भैया कितने वाले हैं? इसकी जो फिटिंग, इसकी जो कॉस्टिंग है भैया, वो 12,500 है, और अपने पास 2,500 रुपए से सीट कवर स्टार्ट हो जाता है। जैसे फिटिंग ये है पकड़ फिटिंग में 4,000 से शुरू है, उसके ऊपर फिर 5,500 वो ऑप्शन भी है, 7,500 रुपए का अपने पास लाइफ टाइम वारंटी से शुरू हो जाता है, लाइफ टाइम होगी इसकी वारंटी। फिटिंग ऐसी आएगी बस, फैब्रिक में चेंज है 12.5 और 7.5 में, तो 9.5 में आपको 3 mm लेमिनेशन मिलता है, और ये जो अभी है 12.5 वाले में आपको टोटल 40 mm लेमिनेशन मिलता है, यानी कि फैब्रिक के नीचे ना टोटल, इसमें फैब्रिक में 19 mm पेस्टिंग लेमिनेशन होता है, और उसके नीचे मेमोरी फोम टोटल 21 mm का होता है, तो 40 mm कुशनिंग हो जाती है। सबसे बढ़िया वाले आप देख लो, फिटमेंट बहुत शानदार फिटमेंट है, कहीं से कहीं तक भी ऊपर नीचे नहीं। इसकी भैया वारंटी, ये सब चीज है, लाइफ टाइम भी है, लिख के आपको मिलता है वारंटी कार्ड पे, आपको मेंशन होता है, जो आपका वारंटी कार्ड होता है आपके बिल पे मेंशन होता है, प्रॉपरली बिल होता है आपके पास, उसमें आप कभी भी इसकी वारंटी क्लेम कर सकते हो अगर कोई दिक्कत होती है। सेम आप देख सकते हैं यहाँ पे अमरीश है, जेन्युइन कंपनी का आ गया प्रॉपरली, इसमें भी रियर एसी ऑन हो चुका है, प्रॉपर एसी ऑन हुआ है इसमें जी। इसके साथ साथ अपना गियर नॉब है यहाँ पे, जेन्युइन कंपनी का लग गया, इसके साथ अपना नेक्स्ट जनरेशन का म्यूजिक सिस्टम है, इसके बाद अपने यहाँ पे एविटार के स्पीकर लगे हैं, जिसका आप साउंड सिस्टम देखोगे काफी अल्टीमेट, काफी बेस्ट साउंड सिस्टम है। आप देखोगे यहाँ पे सिस्टम का जो आउटपुट है वो भी बहुत बढ़िया है, सेम आप यहाँ देख पाओगे। ये किसका लगा है भैया? नेक्स्ट जनरेशन का दिया 2 साल वारंटी के साथ। जेड लिंक ऑप्शन मिल जाता है आपको, जिसमें एप्पल कारप्ले, ऑटो, एंड्रॉइड, आप वायरलेस और वायर के साथ दोनों कनेक्ट कर सकते हो, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, डिज्नी हॉस्ट, और आपको हर एक चीज इसमें इनबिल्ड भी मिलता है, सपोर्ट भी करता है, प्लस इसके अंदर डीएसपी इनबिल्ड है, जिसके चक्कर में आपको साउंड जो है वो आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो, या हैवी साउंड अगर आपको चाहिए वो भी आपको इसमें मिलेगा, मीडियम नॉर्मल साउंड चाहिए वो भी आपको इसमें मिलेगा, तो सारे ऑप्शन आपके साथ रहते हैं, सामने रहते हैं, ये आपको बेस्ट चीज मिल जाता है। सेम अगर मैं बैक कैमरे की चॉइस की अगर बात करूँ तो क्लैरिटी चेक कर सकते हो, बहुत अल्टीमेट लेवल का कैमरा है, अल्ट्रा एचडी कैमरा है, बहुत अच्छा कैमरा है, बैक पूरा देखो साफ सुथरा दिख रहा है, और सेंसर तक पूरा वर्किंग है, और मूविंग गाइडलाइन के साथ है, ऐसा नहीं कि नॉर्मल कैमरा आपको दे दिया, पूरा मूविंग गाइडलाइन के साथ है, ये बेस्ट चीज है। यहाँ तक कि अगर इसका ग्लॉसी फ्रेम भी देखोगे ना, इसकी फिनिश और फिटमेंट भी देखो, कितना अल्टीमेट फिनिश है। अगर मैं एक बार सिस्टम को यहाँ से क्लोज करूँ, मैं यहीं से सिस्टम को क्लोज कर देता हूँ, 3-4 सेकंड दबा के रखना पड़ता है, क्लोज हो जाता है। यहाँ से देखो आप, इसमें हल्का सा पबल नहीं मिलेगा, एक क्वालिटी में पियानो ब्लैक एक चीज में। अब देखो यही फ्रेम भी है 300 रुपए से शुरू हो जाता है, 300 का भी फ्रेम आप ले सकते हो, 650 का आता है वो भी ले सकते हो, और 1,000-1,200 रुपए का आता है वो भी ले सकते हो, पर हर चीज में भैया एक छोटी छोटी चीज का फर्क आता है। अगर आप 300 पे कर रहे हो तो आपको ये तो पक्की है अगर की 300 वाली चीज मिलने वाली है, या 400-500 रुपए भी पे कर रहे हो तो आपको कोई 600 या 700 वाली चीज नहीं देगा, कोई अपने घर से दे सकता है क्या भैया? आप ही बताइए, कोई नहीं देगा, नहीं दे सकता। अगर आप 600 पे कर रहे हो तो कोई 700 वाली चीज नहीं देगा, अगर आप 1,000 पे कर रहे हो तो कोई आपको 1,200 वाली चीज नहीं देगा, वैसे ही हर एक चीज में है। अगर किसी को 300 वाला फ्रेम चाहिए होगा ना, तो हो सकता है वो 300 या 350 पे कर दे, या किसी को 600 वाला चाहिए तो वो 600 या 650 पे कर दे, वैसे ही इसके अंदर है, हर एक चीज के अंदर ही है। अपना सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, 10,000 रुपए से कम में 2 साल वारंटी, एप्पल का प्लॉट अंडर सारी चीज आपको मिल जाती है, तो ये बेस्ट चीज आपको मिल जाता है। एक एक अल्टीमेट लेवल का सिस्टम है, मतलब प्रोसेसर भी हैवी है। ये सिस्टम मैं खुद अपनी गाड़ी में पिछले 1.5 साल से यूज कर रहा हूँ, पहले सेंट्रो में, फिर डिजायर में, अब फ्रॉन्क्स में, फ्रॉन्क्स में पिछले 9 महीने से यूज कर रहा हूँ, जब से फ्रॉन्क्स आई है तब से जून से, और अल्टीमेट चल रहा है, ये रीजन है सबसे ज्यादा। इसकी भैया को गारंटी 2 साल रिप्लेसमेंट सीधा चेंज है पैन इंडिया कहीं से भी, ये सबसे बेस्ट चीज है। सामने आपने पंजाब से गाड़ी आई है उसमें भी ये सिस्टम लगा, उससे पीछे गाड़ी आई है, मतलब रोज के आप मान के चलो कि 8 से 10 गाड़ी का एवरेज है जो हम ये सिस्टम लगा के देते हैं, कभी कोई भी दिक्कत नहीं है, 0 कंप्लेन अभी है इसकी, ये रीजन है जो आपको ये देनी है। इसके साथ साथ एक बार पीछे सीट की फिटिंग दिखा देते हैं कैसी है, उसके बाद भैया से जानेंगे उनको कैसा सा लगा।
तो जी भाई पीछे की तरफ चले अगर हम, तो पीछे के सीट कवर का एक बार आप लुक चेक कर लो भाई। जैसा आगे आपको एकदम बेस्ट फिनिशिंग मिली है, वैसे ही आपको पीछे एक बार फिनिशिंग दिख रही है, बहुत अल्टीमेट फिनिशिंग मिली है। आप देखो एक चीज आगे भी और सेम पीछे भी ऐसी है। बैठने के बाद ना आपको थाई सपोर्ट इसमें कैसे मिलता है, जो एक थाई है ना बैठोगे उसमें पूरी सिमेट्री आपको मिल जाती है, तो ये एक बेस्ट चीज है। प्लस जो इस कवर का जो ये वाला पार्ट है आप देखो बिल्कुल स्मूथ रहता है, तो और एक चीज में आपको गर्मी वगैरह पसीना वगैरह नहीं मिलता। एक चीज में बताऊं, जो नॉर्मल सीट कवर होते हैं ना उसमें ये धस जाता है, नीचे मेरी गाड़ी में धस गया है, धसा होता है भैया। तो ये सारी चीजें इसमें देख लो कितना सॉफ्ट है, जितना आप नीचे इसको दबाओगे ना ये उतना ही ऊपर उड़ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये सारी चीज आपको मिलती है सीट कवर में, ये खास चीज आपको मिलता है। सेम ऐसे पीछे है ये वाला हिस्सा, आप देखो पूरा ऐसे सिमेट्री बनी हुई है, सबको बेनिफिट वाला पार्ट आपको मिल जाएगा। एक नंबर भैया, मतलब मैं कह रहा हूँ कंपनी वालों को आपसे कुछ सीखना चाहिए। नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है हम अपनी जगह बिल्कुल बेस्ट हैं, जो हम काम करके दे रहे हैं सबसे बेस्ट से बेस्ट है। बाकी सारी चीज़ें कस्टमर के हाथ में, जैसे उनकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे वो डिज़ाइन चाहते हैं वैसा हम करके देते हैं। सेम पीछे भी अपना फ्लोरिंग हुई है, देखोगे डाई वाली फ्लोरिंग प्रॉपरली हुई है अपनी, और इसके ऊपर जो कंपनी के भी है कि मैट वही डाला है। यहाँ पे सेंटर एसी जो है वो ऑन हो गया है, पीछे अपना जो 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट था वो वापस लग गया, वापस भी लगा दिया हमने। तो ये सब काम है, बाकी अब चलते हैं कस्टमर से, उनसे जानते हैं गाड़ी का काम कैसा लगा और कितना खर्चा आया। तो जी भाई, जिन भैया की गाड़ी हमारे साथ दे रहे, भैया क्या नाम है आपका? मुकेश है भाई। कहाँ से आए भैया आप? रोहतक से भाई। तो यहाँ के बारे में कैसे पता चला? मैं यूट्यूब से वीडियो देख के आया था आपकी, मुझे अच्छा लगा। और कब से वीडियो देख रहे हैं भाई? ये 10 दिन से देख रहा हूँ। 10 दिन पिछले 10 दिन में कितनी वीडियो देखी? मैंने बहुत काफ़ी देखी, लेकिन आपकी बहुत अच्छा पसंद आया जी। ठीक है, और भी बहुत की वीडियो देखी थी लेकिन आपकी बेस्ट लगी है मुझे। कोई खास रीज़न ऑटोमिक पे आने का? बस आपका ये है कि आप थोड़ा हाँ जो सीट कवर है ये थोड़ा हाँ अपने आप डिसाइड करके थोड़ा ये बता देते हो जी। आपके साथ भी ऐसा हुआ हाँ। कि जो आपको आपकी गाड़ी में जो सूटेबल हो सकता है, ऐसा नहीं है कि अपने पास मतलब कुछ भी आपकी गाड़ी में डाल दो या कुछ भी दे दो, जो आपकी गाड़ी में सूटेबल बेस्ट हो सकता है एज अ डिज़ाइन सेलेक्ट करके, या फिर एज अ कॉम्बिनेशन आपको पसंद है, आपकी फैमिली पसंद है, वो चीज़ आपके वो पूरा हम सजेस्ट करते हैं आपको। जैसे एक बेस्ट चीज़ होती है कि आपका ना लॉन्ग लाइफ चलना है, अगर 10-15 आपने गाड़ी ली है 2-4 साल नहीं 5 साल 10 साल भी आप गाड़ी चलाते हो आपके गाड़ी, तो 5 साल सीट कवर आपके आराम से चलने हैं, आराम से बहुत आराम से चलने हैं। 10 साल भी आपकी यही चला सकते हो, चॉइस है आपकी। 15 साल तो ऑप्शन है आप, क्योंकि 15 साल की गारंटी, तो ये ऑप्शन आपके पास है कि आप सेलेक्ट करा सकते हैं। बाकी काम सारा कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा भाई, बिल्कुल बहुत अच्छा। हम अगले महीने और गाड़ी लेंगे तो भी यही भाई। पक्का भैया? कुछ कमी पेशी रह गई हो अगर? नहीं भाई ने बोल दिया दुकान आपकी आओ। बहुत बहुत। बाकी अगर कोई आपकी वीडियो देख के आना चाह रहा है रिकमेंड करोगे? बिल्कुल भाई, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल। हम भी किसी को देख के भी आए हैं, महीने भैया गाड़ी लेके आ रहे हैं, एक और गाड़ी लेके आ रहे हैं, तो ये सबसे अच्छी चीज़। ठीक है, बाकी टोटल कितना खर्चा आ गया? इसमें आ गया भाई 84,500 रुपये का टोटल काम, जिसमें सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, सीट कवर की कॉस्ट भी जिसमें मैंने आपको बताई है 12,500 वाली, जो 12,500 वाला जो देने से लगती है, और मैंने सिस्टम वगैरह जितनी भी चीज़ें एज अ मिरर हो गया, एज अ जितनी चीज़ आपको दिखाई है सब कुछ कवर है भैया, पक्का पक्का। और बाकी डिस्काउंट दिया भैया ने? हाँ डिस्काउंट भी दिया है, लग रहा है बस ठीक है, इतनी दूर से आना पड़ता है। बहुत धन्यवाद, ये मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है, जो एक हर एक कस्टमर सेटिस्फाई होकर खुश होकर जाए ना, इससे बड़ी चीज़ और कुछ नहीं है। जैसे चॉइस किया तो आपके इसी कारण किया है, मतलब शॉप पे मतलब जो भी चीज़ है वो अच्छी तरह से सेटिस्फाई। और सबसे बड़ी बात है पार्किंग, आप देखो ना अभी यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, 85 लगभग 20,000 रुपये गाड़ी है, ये दो फॉर्म्स यहाँ खड़ी है, इसके पीछे एक ही है, बाकी 3-4 गाड़ी और जल चुकी है, एक फॉर्म्स ये खड़ी है अपने पास। टोटल अंडरग्राउंड मतलब एक छत के नीचे में अपने पास टोटल 11 गाड़ी की पार्किंग है, 10 से 11 गाड़ी, और सारा काम आपका एक ही छत के नीचे हो जाएगा। आपके पास बैठने की फर्स्ट फ्लोर पे मगर वेटिंग रूम का जगह है, स्पेस का जगह है, तो मतलब एज अ एनवायरनमेंट हो गया, एज अ आपके अपने हिसाब से आप जैसा चाहो वैसा कराना, आपको कभी कहीं नहीं मिल सकता ऐसा, दिल्ली में तो कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको पता है दिल्ली इतना ज़्यादा मतलब हॉच पॉच वाला जगह है, भरा हुआ जगह है, और दिल्ली में ऐसा जगह मिलना कभी पॉसिबल नहीं है। और इससे भी बड़ी बात, एक नई गाड़ी है, नई गाड़ी में तो हल्का सा जैसे क्रोच ले आते ना, तो क्रोच वो यहाँ नहीं आता, वो दिल पे आता है, दिल पे आता है, क्योंकि 8 लाख रुपए ऐसे पे किए होते हैं, इतनी मेहनत की पैसे और कमाई, वो कहीं गाड़ी लग गई तो सबसे सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है
एक बार ना काम करने से पहले मैं बोलूँगा, आके ना देख लो, समझ लो जगह है या नहीं है, या मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। और जहाँ अगर किसी की भी एक्स वाई जेड आप किसी की भी वीडियो देख रहे हो, आप वहाँ भी जाके देख लो, प्राइजिंग में भी कंपेयर कर लो, चीज़ों में भी कंपेयर कर लो, सामान भी देख लो, उसके बाद आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है, आप जैसा चाहते हो वैसा कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसी वीडियोज़ के लिए एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं तो चार भी है अभी, और ऑटो नहीं ऑफिशियल तो आप नहीं कर ही रहा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो जी भाइयों, ये था एक फ्रॉम सिग्मा में, इस तरीके से काम करा सकते हैं आप, ठीक है। 84,000 रुपीज़ का इसमें आया खर्चा, जिसमें मतलब कम बजट में बढ़िया काम हुआ है इस गाड़ी में, है ना। बाकी अगर कह सकते हो एक मीडियम बजट में अगर आपको सारी चीज़ें करा दी तो सब चीज़ इसके अंदर हुई है, एज अ इंटीरियर, एज अ एक्सटीरियर, एज अ क्रोम के जितने भी पार्ट हैं, चाहे आप मड फ्लैप, छोटी छोटी चीज़ें मड फ्लैप से लेके कैमरा से लेके हर चीज़ें, रिफ्लेक्टर लाइट हो गया, बूट कैमरा, एक एक चीज़ में लगा है, पास एंट्री से लेके, तो वो सब चीज़ आप भी करा सकते हो सेम ऐसे। और फिर देखिए आप आओ, जैसा आपने इस बीच में भी है ना, साउंड सिस्टम में काफ़ी अच्छा पार्ट लिया है, एज अ जो सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है इसमें, डीएसपी के साथ है, बाकी सिस्टम ही आपको 3500 रुपये से मिल जाता है, 3500 से एंड्रॉइड मिल जाता है, और स्पीकर का जो स्पेयर है सेट है वो 500 रुपये से आपको मिल जाता है। तो यही काम अगर आप चाहते हो ना, थोड़ा सा मीडियम साउंड आउटपुट के साथ, क्योंकि भैया को साउंड आउटपुट अच्छे से अच्छा चाहिए था इसलिए खर्चा आया, बाकी मीडियम साउंड आउटपुट के साथ, तो यही काम आपका 60-65 के आसपास में या 60 में भी आपका काम आराम से हो गया। ठीक है भाई, तो ये सप्ताह भैया के पास आना चाह रहे हो आना, डिस्काउंट 60% चल ही रहा है, 25 जनवरी से पहले आप उस चीज़ का ऑफर उठा लो, ठीक है भाई जी। बाकी कैसी लगी कमेंट करके बताना, और लाइक करके जरूर जाना वीडियो को, बाकी ऐसी प्यार बनाए रखो, सपोर्ट बनाए रखो, मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो में, तब तक गुड बाय दोस्तों।